Today we are going to study about adhesion and bonding. In the last week, you studied about composite restorations. So composite restorations में आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा. Composite restorations करते वक्त हम एक agent apply करते हैं, bonding agent. आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि bonding agent क्यों apply करते हैं, इसका purpose क्या होता है. अब आप लोगों ने कंपोजिट रेस्टोरेशन जब करनी है तो कंपोजिट रेस्टोरेशन दैट इज़ अ थिक मटेरियल और इफ़ इट इज़ फ्लोएबल इट इज़ अ फ्लोएबल मटेरियल. पर ये डायरेक्टली आपके टीथ के साथ एडहेयर नहीं करता है. डायरेक्टली एडहेयर कैसे करता है? बाय द हेल्प ऑफ अ बॉन्डिंग एजेंट. तो बेसिकली उसी के लिए ये सारे पिछले स्टेप्स आप लोगों ने पढ़ने हैं कि एडहेजन क्या होती है, बॉन्डिंग क्या होती है. फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे कि बॉन्डिंग एजेंट्स कौन से यूज़ करते हैं कंपोजिट रेस्टोरेशंस में और अदरवाइज में. सो फॉरगेट अबाउट द रेस्टोरेशन फॉर नाउ. व्हाट इज एडहेजन? एडहेजन इज बेसिकली अ फिनोमेना इन विच टू डिसिमिलर सर्फेसेस कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड दे एडहेयर विद ईच अदर. आई होप यू ऑल नो अबाउट कोहेजन. कोहेजन में ये होता है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स अटैच विद ईच अदर, दे बॉन्ड विद ईच अदर. बॉन्डिंग ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेजन, बट द बॉन्डिंग ऑफ डिसिमिलर टाइप्स इज कॉल्ड एडहेजन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टेबल. टेबल के ऊपर आप लोगों ने एक ड्रॉप पानी का डाला है. पानी के ड्रॉप के मॉलिक्यूल्स और टेबल की जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिफरेंट. इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज एडहेजन. जिस सरफेस के ऊपर हम बॉन्ड बनाने के लिए कुछ लगाते हैं उस सरफेस को कहते हैं एडहेरेंट. सो नॉट इन ऑल केसेस. फॉर एग्जाम्पल, आपने वही पानी का ड्रॉप एक टेबल की सरफेस के ऊपर डाला है. फॉर से डज नॉट एडहेयर टू the surface of table. तो आप लोगों को क्या use करना पड़ेगा? उन दोनों के दरमियान में एक agent use करना पड़ेगा जो दोनों को attach कर दे. Okay, forget about water droplet. Say it is your mobile. आप mobile को table के ऊपर रखते हो. Mobile के और table की surface के दरमियान में कोई bonding नहीं होगी. These are dissimilar types of molecules present in the surface of table and in the mobile surface, which cannot adhere to each other, which cannot bond to each other. तो आपने अगर दोनों को attach करना है तो आप क्या करोगे? उनके दरमियान में glue लगा दोगे. Glue लगा के दोनों को एक दूसरे के साथ attach कर दोगे. तो glue will act as adhesive. So adhesive is a material which produces adhesion. Adhesion is the bonding between two dissimilar surfaces. And each surface is called adherent. There are different types of adhesion. आगे जाके आप लोग सीमेंट्स में पढ़ोगे, that is a type of restoration, glass ionomer cement. उसको जब आप दांत के साथ अटैच करते हो, दांत के अंदर फिल करते हो, कैविटी के अंदर प्लेस करते हो, तो उस मटेरियल में और दांत के दरमियान में केमिकल बॉन्डिंग होती है. दैट मींस उस रेस्टोरेशन के कुछ कंपोनेंट्स क्लिंक कर जाते हैं, बॉन्ड बना देते हैं केमिकली विद द हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन द टूथ्स. तो ये केमिकल एडहेजन होगी. मैकेनिकल एडहेजन क्या होगी? कंपोजिट रेस्टोरेशंस में देर इज माइक्रोमैकेनिकल एडिशन. माइक्रोमैकेनिकल एडिशन का ये मतलब है कि रेस्टोरेशन को जब हम कैविटी में प्लेस करेंगे तो ये डायरेक्टली अटैच नहीं होगी. हमें उसकी सरफेस में, दांत की सरफेस में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी. उसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा. रफ करके तो उसमें माइक्रो टैग्स बन जाएंगे. फिर हम उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करेंगे जो कि उन टैग्स के अंदर चला जाएगा और उसके ऊपर हम कंपोजिट रेस्टोरेशन प्लेस करेंगे. तो बॉन्डिंग एजेंट बेसिकली क्या है? एडहेसिव, विच अटैचेस कंपोजिट रेस्टोरेशन विद द टूथ सरफेस. बिकॉज कंपोजिट रेस्टोरेशन में कुछ ऐसे केमिकल्स नहीं हैं जो डायरेक्टली दांत के अंदर जो हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स हैं उसके साथ
बॉन्ड बना दें और केमिकल एडहेजन कर दें. तो जब हमने कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन को दांत के अंदर प्लेस करना है एंड वी वांट दिस फिलिंग टू लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, तो हम क्या करेंगे कि एडहेसिव यूज़ करेंगे. इट्स जस्ट आप लोग ऐसे याद रख लो कि फिलिंग को दांत के साथ जोड़ने के लिए हम बीच में ग्लू यूज़ कर रहे हैं. वट इज़ दिस ग्लू? दिस इज़ एडहेसिव एंड द सर्फेस ऑफ टूथ इज कॉल्ड एडहेरेंट. द फंक्शन ऑफ एडहेसिव इज टू प्रोड्यूस एडहेजन टू ज्वाइन द टू सर्फेसिस विद ईच अदर. So the basic criteria for good adhesion is the contact between two surfaces should be as intimate as possible and the adhesive should not be too liquid or too solid. Agar bahut solid hoga to wo itna viscous hoga ki wo dono surfaces ke darmiyan mein khud ek material ki thick si layer bana dega. Bahut liquid hoga to wo dono ko अटैच नहीं कर पाएगा, दोनों के दरमियान में से फ्लो कर जाएगा. सो इट शुड हैव अ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जिसकी वजह से वो एक साइड से दांत के साथ अटैच हो जाता है एडहेसिव, दूसरी साइड पे रेस्टोरेशन के साथ अटैच हो जाता है. इस तरह रेस्टोरेशन को दांत के अंदर फॉर लॉन्गर टाइम्स रिटेन करके रखता है. इन अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड एडहेजन adherent, I told you, adherent is the surface on which adhesive is applied. And adhesive is applied to produce adhesion. And adhesion is the bonding of two surfaces with each other. So adherent should have high energy. Okay, please don't start reading this slide because otherwise you will not follow me what I am going to say. आप लोग एक दफ़ा सुन लो, इसमें जो भी लिखा हुआ है मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट उसका बता देती हूँ. एडहेरेंट दैट इज द सरफेस जिसके ऊपर एडहेसिव हमने लगाना है. क्लिनिकली इट इज़ अ टूथ सरफेस. आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए इट इज़ अ टेबल सरफेस. अब टेबल की सरफेस पे और एनी अदर सरफेस ऑफ एडहेरेंट जिसके ऊपर हमने कुछ बॉन्ड करना है, उसके अंदर एटम्स हैं. कुछ एटम्स उसके कोर में, कुछ एटम्स उसकी सरफेस पे. अब एटम्स ऑफ एवरी पार्टिकल, एटम्स ऑफ एवरी मटेरियल ट्राई टू मेंटेन लो एनर्जी स्टेट. इसका ये मतलब है कि जो एटम्स बहुत हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो एक लो एनर्जी स्टेट में आ जाएं, क्योंकि लो एनर्जी स्टेट इज़ अ स्टेबल कंडीशन. तो आपका कोई भी मटेरियल है, कोई भी ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, उसके जो कोर के अंदर एटम्स होंगे वो सारे चारों साइडों से अटैच होंगे दूसरे एटम्स के साथ, तो वो लो एनर्जी स्टेट में. वेयर एज ऑन द सरफेस ऑफ दैट मटेरियल, सरफेस के ऊपर एटम्स पड़े हुए हैं. फॉर एग्जांपल एटम्स की एक लेयर है, उस एटम की लेयर को राइट से लेफ्ट से एटम्स के साथ बॉन्डिंग हुई हुई है, नीचे से उसको दूसरे एटम्स खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली साइड से उसको कोई नहीं खींच रहा. ऊपर वाली साइड से इट इज फ्री. तो ये एक अनस्टेबल स्टेट में जो सरफेस में है वो एक हाई एनर्जी स्टेट में. हाई एनर्जी स्टेट का मतलब है द कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस टू अट्रैक्ट अदर एटम्स. नॉर्मली सरफेसेस ऑफ मटीरियल्स आर एट हाई एनर्जी स्टेट because they are bonded on three sides. Atoms are bonded on three sides. Each atom is bonded on three sides, but it is not bonded to any atom on the surface. तो surface के ऊपर जो atoms होंगे वो कोशिश करेंगे कि इधर उधर से जो भी material उनके ऊपर आए उसको जल्दी से अपने साथ bond कर लें. Bond करके stable condition पे आ जाएं, low energy state पे आ जाएं. So, किसी भी सरफेस की गुड एडहेजन के लिए ज़रूरी है कि उसकी सरफेस की एनर्जी हाई हो. इट शुड हैव हाई एनर्जी. सो एडहेरेंट विच इज़ द सरफेस ऑन विच वी अप्लाई द एडहेसिव रेजिन शुड हैव हाई एनर्जी स्टेट.
So in the methods of increasing surface energy, अब किसी सरफेस, फॉर एग्जाम्पल दांत की सरफेस है, अब दांत की सरफेस के ऊपर हमने कंपोजिट रेस्टोरेशन करनी है. आप लोगों को मैंने बताया कि कंपोजिट डायरेक्टली दांत के साथ बॉन्ड नहीं करता, हमें दरमियान में ग्लू लगानी पड़ती है, एक एडहेसिव लगाना पड़ता है जो कंपोजिट को एक साइड से अटैच कर ले और दूसरी साइड से दांत को अटैच कर ले, और इस तरह से वो कंपोजिट को दांत के अंदर अटैच करके रखे. तो ये जो आपका दांत का सरफेस है, दांत का सरफेस इज एडहेरेंट. एडहेरेंट दांत की सरफेस की एनर्जी हाई होगी तो उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट ज़्यादा इजीली स्प्रेड कर जाएगा. अगर ये सरफेस एनर्जी कम होगी तो वो, उसका क्या मतलब है कि उसमें कैपेसिटी कम है अट्रैक्ट करने की. तो किसी सरफेस के एटम्स में अगर कैपेसिटी कम है दूसरे एटम्स को अट्रैक्ट करने की, इसका मतलब है कि उसकी सरफेस एनर्जी कम है. तो सरफेस एनर्जी कम होगी, दूसरे एटम्स को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं कर सकेगा. सो नंबर वन, फॉर गुड एडहेरियन इट इज रिक्वायर्ड दैट एडहेरेंट शुड हैव हाई एनर्जी. क्लिनिकली देर आर थ्री मेथड फॉर इंक्रीजिंग दिस सर्फेस एनर्जी. सर्फेस इज क्लीन विद प्यूमिस और प्रोफाइलेक्टिक पेस्ट. इट इज क्लीन विद सॉल्वेंट्स टू रिमूव कंटेमिनेंट्स. इसके ऊपर जो कंटेमिनेंट्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं दांत की सरफेस के ऊपर, वो हम रिमूव कर देते हैं प्यूमिस से, प्रोफाइलेक्टिक पेस्ट से, या फिर सॉल्वेंट से जो उन इम्प्योरिटीज़ को डिसॉल्व कर लें ताकि हमारी सरफेस एनर्जी हाई हो जाए, उसके एटम्स ऐसी कंडीशन में आ जाएं कि वो दूसरे एटम्स को अट्रैक्ट ज़्यादा करें. वन मेथड इज एचिंग विद एसिड्स. एचिंग का मतलब ये है, एचिंग हम कंपोजिट रेस्टोरेशन में भी करते हैं और वहाँ पे भी हम इसलिए करते हैं कि हम दांत की सरफेस एनर्जी इंक्रीज कर सके. दांत की सरफेस एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो उसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट ज़्यादा इजीली अटैच हो जाएगा, और बॉन्डिंग एजेंट जितना अच्छा अटैच होगा इसका मतलब है उसने दांत के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना दिया है, तो दूसरी साइड से वो कंपोजिट रेस्टोरेशन के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो इसकी बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी एडहेसिव की, उतनी अच्छी कंपोजिट रेस्टोरेशन स्टे करेगी. एचिंग हम डेंटिस्ट्री में इन कंपोजिट रेस्टोरेशन करते हैं 37% फॉस्फोरिक एसिड के साथ. ये ब्लू कलर की जेल की फॉर्म में आता है, दैट इज 37% फॉस्फोरिक एसिड. इसको हम दांत की, फॉर एग्जांपल एक दांत है उसकी आपने कंपोजिट रेस्टोरेशन करनी है, उस दांत को हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करने के बाद उसके ऊपर हम एचेंट अप्लाई करेंगे. एचेंट इज 37% फॉस्फोरिक एसिड. हाइड्रोफॉक्स, दिस एच पी ओ थ्री हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड इज द एसिड जिसकी वजह से दांत के ऊपर सरफेस रफ हो जाएगी, थोड़े टैग्स बन जाएंगे. सरफेस रफ होने की वजह से क्या होगा, उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. इज इट क्लियर? Is the concept of surface energy clear? Okay, I cannot see your chat. Moving to the next. So, adhesion to enamel is easier than adhesion to dentine. Why? Because enamel has hydroxy apatite crystals in it, there is minimum water in it, so the hydroxy apatite crystals have higher surface energy. It makes enamel with the higher surface energy. To aap logon ko pehle maine bataya hai ki jis surface ki energy high hogi, jis material ki surface energy high hogi, us material mein zyada capacity hai dusre material ko attract karne ki, to uski capacity zyada achhi hogi to wo zyada acha bond banayega adhesive ke sath. Whereas dentine has lower surface energy, aur wo kis wajah se, ki usme
कॉलेजन फाइबर्स हैं, और कॉलेजन फाइबर्स और डेंटीन का स्ट्रक्चर इज हाइड्रोफिलिक. सो उसकी सरफेस एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफिलिसिटी कम है. सो एनेमल के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी बॉन्डिंग एजेंट की, एडहेसिव की, क्योंकि एनेमल की सरफेस एनर्जी ज़्यादा है. डेंटीन की सरफेस एनर्जी कम है. सरफेस एनर्जी कम होने का मतलब है कि उसके सरफेस एटम्स हैव लोअर कैपेसिटी टू अट्रैक्ट अदर एटम्स, इसलिए उसकी सरफेस एनर्जी कम है डेंटीन की, तो वो उसमें कैपेसिटी कम है एडहेसिव को अपने साथ अटैच करने की. और ये किस वजह से, क्योंकि एक तो डेंटीन की नेचर हाइड्रोफिलिक है, सेकेंडली उसमें कॉलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वी नीड आइसोलेशन ऑफ टूथ फॉर एडहेजन, बिकॉज इफ कैविटी इज कंटेमिनेटेड बाय सलाइवा इट विल डिक्रीज द सरफेस एनर्जी ऑफ सरफेस एंड प्रिवेंट्स एडिक्वेट वेटिंग ऑफ एडहेसिव. अब पीछे आप लोगों ने देखा एनेमल की सरफेस एनर्जी ज़्यादा है तो एनेमल की एडहेजन ज़्यादा अच्छी है. डेंटीन की सरफेस एनर्जी कम है तो उसकी एडहेजन क्वालिटी कम है, क्योंकि उसकी हाइड्रोफिलिक नेचर है, क्योंकि उसमें कॉलेजन फाइबर्स हैं. इसका मतलब है जहाँ पानी होगा वहाँ सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी. तो हमने क्या करना है, रेस्टोरेशन में प्रॉपरली टूथ को जिसपे हमने रेस्टोरेशन करनी है आइसोलेट करना है, सो देर इज नो कंटेमिनेशन बाय सलाइवा और एनी अदर लिक्विड, बिकॉज कंटेमिनेशन विद सलाइवा टेंड्स टू डिक्रीज द सरफेस एनर्जी ऑफ सरफेस. सरफेस एनर्जी कम होगी तो उसकी एडहेजन की क्वालिटी कम हो जाएगी. Any questions so far? Second year, can you hear me? Can you hear me all? Okay, ये इसका concept समझ आ गया आप लोगों का adhesion का and importance of adhesion in dentistry, because adhesion is a main प्रिंसिपल जिसकी वजह से आपका कोई भी फिलिंग दांत के साथ अटैच करेगी. सो एडहेजन नहीं होगी, आपको एडहेजन का नहीं पता होगा तो आप बता नहीं सकते कि इस मटेरियल का दांत के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी. सो बाय द वे, आप लोग ने अमेलगम रेस्टोरेशन पढ़ी थी, अमेलगम की दांत के साथ कौन सी एडहेजन होती है, विच टाइप ऑफ एडहेजन इट इज? सीमेंट्स की, जैसे मैंने बताया केमिकल एडहेजन होती है, क्योंकि सीमेंट के पार्टिकल्स दांत के अंदर जो हाइड्रोक्सी एपिस्टाइट है उसके साथ बॉन्ड कर जाते हैं. यस, इट इज मैकेनिकल एंड कंपोजिट रेस्टोरेशंस में इट इज माइक्रो मैकेनिकल, बिकॉज पहले हम एजेंट अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसकी सरफेस रफ हो जाती है दांत की, उसमें टैग्स बन जाते हैं माइक्रो मैकेनिकल, और उनके अंदर डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट फ्लो करता है, इसलिए इसको माइक्रो मैकेनिकल एडहेजन कहते हैं. इफ कम्स इन MCQ, सीमेंट्स की केमिकल एडहेजन होती है, अमेलगम की मैकेनिकल एडहेजन होती है, और कंपोजिट्स की माइक्रो मैकेनिकल एडहेजन होती है. और मैंने आप लोगों को बताया कि एनेमल इज अ बेटर एडहेरेंट, एनेमल में एडहेजन की क्वालिटी ज़्यादा है डेंटीन से, क्योंकि एनेमल में इतना पानी नहीं है और एनेमल की सरफेस एनर्जी हाई है, डेंटीन की सरफेस एनर्जी कम है, और इसमें वाटर का कॉन्टेंट ज़्यादा है और इसमें कॉलेजन फाइबर्स हैं, इस वजह से डेंटीन की एडहेजन कम है. इसका क्या मतलब है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसका मतलब है जहाँ पे आपका एनेमल
रिटेन्ड है, जहाँ पे एनामेल प्रेजेंट है वहाँ पे आपने रेस्टोरेशन करनी है तो उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी. बट वेयर देयर इज एक्सपोजर ऑफ डेंटीन, आपका एनामेल उड़ चुका है और आपका डेंटीन एक्सपोज हो गया है, तो उसके साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि डेंटीन के साथ बॉन्डिंग इज लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू एनामेल. एंड द रीजन बिहाइंड इज डेंटीन हैज हाइड्रोफिलिक नेचर, इट हैज वाटर, इट has collagen fibers, and that's why it has low surface energy. And told you so many times, low surface energy ka matlab hai ki uske surface ke atoms have low capacity to attract other atoms. Low capacity to attract other atoms leads to low ability of adhesion. During cavity preparation, smear layer is produced, which is also of low surface energy, which will prevent good adhesion as described. That's why we remove the smear layer after cavity preparation. When you start filling a cavity, उससे पहले आप cavity preparation जब करते हो तो आप burr के साथ थोड़ा सा carious lesion remove करते हो. Carious lesion रिमूव करते हो, फिर आप agent apply करते हो तो एक smear layer बन जाती है. Debris की दांत का जो रफेंट पार्ट होता है उसकी एक लेयर बन जाती है ऊपर. अब दिस लेयर हैज लो सरफेस एनर्जी. लो सरफेस एनर्जी का मतलब है लो एबिलिटी ऑफ एडहेशन. तो इसको रिमूव करते हैं हम ताकि इसकी वजह से एडहेशन में हिंड्रेंस ना आए. GIC इज द ओनली डेंटल सीमेंट टू पोजेस इंट्रिंसिक एडहेसिव प्रॉपर्टी एंड डज नॉट रिक्वायर intermediate resin to bond restoration with tooth material. While composite requires an intermediate bonding agent to micromechanically bond with etched enamel or dentine. आप लोगों को बताया GIC is a glass ionomer cement. This is also a type of restorative material that you will be studying in next lectures. उसको एक adhesive की जरूरत नहीं होती दांत के साथ अटैच करने के लिए. इट कैन अटैच डायरेक्टली केमिकल एडहेशन. कंपोजिट को अटैच करने के लिए कंपोजिट की फिलिंग में कंपोजिट दांत के साथ बॉन्ड कर जाए उसके लिए हमें एक एडहेसिव की जरूरत होती है जो कंपोजिट को दांत के साथ जोड़ के रखे. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडहेसिव रेजिन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. दीज एडहेसिव रेजिन्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग एजेंट्स because they bond to the tooth surface on one side and to the composite restoration on the other side and makes this restoration successful. So these are the factors which govern adhesion, or you can say adhesion depends on these factors. Number one, surface energy or surface tension. Number two, wetting. Number three, contact angle. So can you see this arrow? I am moving this arrow. Can you see this arrow? सेकेंडरी आप लोगों को एरो नजर आ रहा है एक द मूविंग एरो. Can you see this arrow, the moving arrow? Please write something in chat so I can get to know that you are with me. Okay. ओके, सरफेस एनर्जी का मैंने आपको बताया. नाउ दिस इज द मटेरियल, दिस इज द सरफेस. फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल.
ये जो ग्रे आपको नजर आ रहा है ये टेबल है, ये जो ऊपर ब्लू नजर आ रहा है ये किसी लिक्विड का एक ड्रॉप है। इस टेबल के अंदर किसी भी मटेरियल के अंदर ये जो आपस में एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग हुई हुई है ये क्या है? कोहेजन। लेकिन इस एटम्स के दरमियान में और इस एटम्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी दैट इज एडहेजन। अब मैंने आप लोगों को बताया था फॉर एग्जांपल दिस इज एटम, इस एटम का इधर से भी बॉन्ड बना हुआ है, इधर से भी बना हुआ है, नीचे से भी बना हुआ है, लेकिन ऊपर से कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। तो ये हाई एनर्जी स्टेट में, हाई एनर्जी स्टेट में ये अट्रैक्ट करेगा किसी भी और एटम्स को। तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो एडहेजन की वजह से बनेगा। आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि अगर एडहेरेंट दैट इज द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, उसकी सरफेस एनर्जी हाई होगी तो वो अच्छी एडहेजन करेगा। इसी तरह से अगर जो हमने मटेरियल ऐड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल दिस ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड, इसकी सरफेस टेंशन कम होगी तो ये एडहेजन ज़्यादा अच्छी करेगा। सरफेस टेंशन क्या है? द एबिलिटी विद विच इट इज टाइटली पैक्ड विद इन इट्स स्ट्रक्चर। दिस एटम्स इज अट्रैक्टेड एंड अटैच्ड और बॉन्डेड फ्रॉम ऑल साइड्स, तो इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ये इतना टाइटली पैक है कि ये बहुत इजीली बाहर नहीं जाएगा, बाहर के साथ एटम्स नहीं बनाएगा। सो मटेरियल की सरफेस एनर्जी कम होना जरूरी है और जो हम एडहेसिव अटैच करने के लिए लगाते हैं उसकी सरफेस टेंशन कम होना जरूरी है। सरफेस टेंशन कम होगी तो ये पार्टिकल्स एटम्स थोड़े लूज होंगे और ये अटैच होंगे दूसरे मटेरियल की सरफेस के साथ। व्हाट इज कॉन्टैक्ट एंगल? कॉन्टैक्ट एंगल इज द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ लिक्विड पार्टिकल और द सरफेस ऑफ एडहेसिव एंड द सरफेस ऑफ एडहेरेंट। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है, आप इस एंगल को भी कह सकते हो, आप इस एंगल को भी कह सकते हो, दिस इज कॉन्टैक्ट एंगल। अब फॉर एग्जांपल ये तो आपने कोई ऑयल जैसा लिक्विड किया है जो वहीं पे क्लिंग हो गया सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल दिस इज टेबल एंड दिस इज ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। वाटर का ड्रॉपलेट आप डालोगे तो वो थोड़ा फैल जाएगा, वो ज़्यादा ज़्यादा फैल जाएगा तो ये एंगल कम होता जाएगा। कॉन्टैक्ट एंगल जैसे जैसे कम होगा उसका मतलब है कि आपका एडहेसिव उतना ज़्यादा मटेरियल के ऊपर फैला हुआ है। मटेरियल के ऊपर जितना ज़्यादा एडहेसिव फैल जाएगा उसका मतलब है उसकी वेटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी है, उतना ज़्यादा सरफेस को वेट कर दिया। और वेटिंग ज़्यादा अच्छी कब होगी? जब कॉन्टैक्ट एंगल कम होगा। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये एंगल इस साइड को आता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, उसका मतलब है कि मटेरियल उतना एडहेसिव आपका थिक है, उतना ज़्यादा वो हाइड्रोफोबिक है, उतना ज़्यादा वो अन एडहेसिव है टू द एडहेरेंट सरफेस। सो एडहेजन डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, सरफेस एनर्जी ऑफ एडहेरेंट, सरफेस टेंशन of adhesive, contact angle and wetting. Any problem in these four आप लोग यहीं पे पूछ लो। Second year contact angle समझ आ गया, wetting समझ आ गया।
यस सायरा, अगर बैटिंग ज्यादा अच्छी हो तो एडहेजन ज्यादा अच्छी होगी. एडहेसिव की जितनी अच्छी वेटिंग होगी उसका मतलब है वो उतना ज्यादा सरफेस को वेट कर सकता है, उतना ज्यादा वेट कर सकता है इसका मतलब है वो सरफेस के ऊपर फैल जाएगा, और सरफेस के ऊपर फैलने का मतलब है कि उसकी एडहेजन ज्यादा अच्छी बनेगी क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर करेगा. ज्यादा एरिया कवर करेगा तो वो ज्यादा एटम्स के साथ बॉन्ड कर सकेगा. सो गुड वेटिंग मीन्स गुड एडहेजन. और गुड वेटिंग कब होगी? जब कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन द एडहेसिव एंड एडहेरेंट कम होगा. जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा इसका मतलब है कि आपका एडहेसिव उतना थिक है और उसकी सरफेस टेंशन उतनी ज़्यादा है कि उसके एटम्स इतने फ्री नहीं हो रहे, इतने ज़्यादा डिसलोकेट नहीं हो रहे कि वो नीचे एडहेरेंट के साथ बॉन्ड कर सके. For good adhesion, surface energy of adherent should be high. Surface tension of adhesive should be low. Contact angle should be low. Contact angle low होगा तो wetting ज़्यादा होगी. इस केस में ये material है, कोई भी सरफेस है, एडहेरेंट है, ये ब्लू कलर का एडहेसिव है. इस मटेरियल की सरफेस एनर्जी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतनी ज्यादा एडहेजन अच्छी होगी. इस मटेरियल की यानी कि एडहेसिव की जो ब्लू कलर के इसकी सरफेस टेंशन जितनी कम होगी उतनी एडहेजन अच्छी होगी. सरफेस टेंशन अगर ज्यादा होगी उसका मतलब है उसके एटम्स एक दूसरे के साथ इतने टाइटली पैक्ड हैं कि वो बॉन्ड नहीं कर रहे किसी और सरफेस के साथ. तो सरफेस टेंशन जितनी कम होगी उतनी अच्छी एडहेजन होगी. सरफेस एनर्जी ऑफ एडहेरेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी एडहेजन होगी. वेटिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा अच्छी एडहेजन होगी क्योंकि वेटिंग अच्छी होने का मतलब है कि वो एडहेसिव उतना ज्यादा फैला हुआ है सरफेस के ऊपर, वो उतने ज्यादा बॉन्ड्स बनाएगा सरफेस के एटम्स के साथ. और वेटिंग ज्यादा अच्छी जैसे जैसे होगी कॉन्टेक्ट एंगल कम होता जाएगा. सो अ कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ जीरो का मतलब है कि ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल साथ लग गई है. उसका मतलब है कि मटेरियल पूरा फैल गया है सरफेस के ऊपर. जीरो कॉन्टेक्ट एंगल, परफेक्ट एडहेजन. यस 180 डिग्री. क्लास एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है किन फैक्टर्स पे एडहेजन डिपेंड करती है? एडहेजन होती क्या है? डेंटिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पिछली स्लाइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी पूछ लो. ओके नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स. यू हैव स्टडीड सो फार कि एडहेजन हम करते क्यों हैं? फिलिंग को दांत के साथ जोड़ने के लिए सिंपली. तो एडहेसिव्स बहुत तरह के होते हैं. थर्मोसेटिंग भी हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक भी हो सकते हैं. एज द नेम सेज थर्मोसेटिंग मीन्स थर्म इज फॉर हीट, सेटिंग इज हार्डनिंग. जैसे जैसे हीट अप्लाई करते हैं तो वो हार्ड होता जाता है. दैट इज थर्मोसेटिंग एडहेसिव. थर्मोप्लास्टिक का मतलब है जैसे जैसे हीट करेंगे वो प्लास्टिक होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे कूल करेंगे वो हार्ड होता जाएगा. नाउ देयर आर फोर फैक्टर्स दैट आर फिजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एडहेसिव. स्मूथनेस ऑफ एडहेरेंट सरफेस. फॉर एग्जांपल वुड सरफेसेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेसेस एड्स टू द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव. In the case of other porous materials like paper, leather, the large number of capillaries preferentially enclose the liquid portion of the adhesive and disturb the equilibrium distribution of the adhesive on the adherent surface, leading to weak joint formation. Surface tension. The wetting characteristics of an adhesive depend on its viscosity and surface tension.
The bonding between surfaces is better when the surfaces can be adhesive uniformly wetted by the adhesive solution, which is guided by the interfacial tension between the two. When this tension becomes minimum, the surface is better wetted. स्मूथनेस का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होंगी. इम्प्योरिटीज होंगी तो उन इम्प्योरिटीज की वजह से एडहेशन अच्छी नहीं होगी. सरफेस टेंशन का आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए कि सरफेस टेंशन जितनी कम होगी किसी मटेरियल की, उसका मतलब है कि उसके एटम्स उतने टाइटली पैक नहीं है, दे कैन बॉन्ड विद अदर सर्फेस. तो जितनी सर्फेस टेंशन कम है उसकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी होगी. थिकनेस ऑफ द एडहेसिव फिल्म, इसमें ये कि अगर थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत विस्कस एडहेसिव मटेरियल यूज़ करेंगे, तो वो दोनों सर्फेसेस के दरमियान में, फॉर एग्जांपल कंपोजिट की सरफेस और दांत की सरफेस के दरमियान में एक अलग से मटेरियल की थिक सी लेयर बना देगा, तो एडहेजन अच्छी नहीं होगी. बहुत थिन होगा तो वो फ्लो कर जाएगा, तब भी एडहेजन अच्छी नहीं होगी. सो आर रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी फॉर बॉन्डिंग द कंपोजिट विद द टूथ. अगर बहुत विस्कस है आपका एडहेसिव तो हम उसमें प्लास्टिसाइजर ऐड करके उसकी विस्कोसिटी को कम कर सकते हैं. नाउ द फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द एडहेसिव फिल्म, द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव फिल्म इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिल्म, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, शीयर स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्म. ये तीन चीजें आपकी एडहेसिव फिल्म की इन्फ्लुएंस करती हैं बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को. ये जितनी अच्छी होंगी, जितनी स्ट्रेंथ अच्छी होगी उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी. क्रीप आप लोगों ने एमलगम में पढ़ा होगा. व्हाट इज क्रीप? क्रीप इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विद द पैसेज ऑफ टाइम. इट इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो कि एमलगम में है कि वो with the passage of time it undergoes plastic deformation. Highly plasticized adhesives, that is not too viscous adhesives, have higher creep rates under stress conditions than the rigid thermosetting materials. Ab adhesive is also a material, uska bhi creep hoga. To agar stress mein highly plasticized adhesive ka क्रीप रेट ज्यादा होगा, वेयर एज बेटर एडहेजन के लिए क्रीप रेट अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशंस कम होना चाहिए. स्ट्रेस्ड कंडीशन इसलिए आ जाएगी कि एडहेसिव के ऊपर जब हम कंपोजिट प्लेस कर देंगे तो अ स्ट्रेस विल डेवलप. सो क्रीप रेट, दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, शुड बी lower for better adhesive. adhesive ki plastic deformation bahut zyada hai to jab hum uske upar composite ko place karenge to wo composite ki wajah se plastically deform hona shuru ho jayega. plastically deform hoga to apni properties ko lose kar dega aur proper adhesion nahi kar sakega. so creep rate under stress situations should be lower for good adhesion. वन एनदर पॉइंट इज कि आपकी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपके टूथ का और है, आप एडहेसिव ऐड करते हो उसका और है. सो दिस डिफरेंस ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बिटवीन दीज टू मटीरियल्स, दीज टू सर्फेसेस, मेक्स द बॉन्ड बिटवीन दीज टू सर्फेसेस वीकर. For example, two substances come in contact with each other. For example, दांत के अंदर हमने bonding agent लगाया है, ऊपर हमने composite restoration place कर दी. एक तो मैंने आपको बताया है कि उस adhesive का creep rate under stress situation, that is जब composite हम place कर देते हैं तो उसका creep rate कम होना चाहिए वरना plastically deform होना शुरू हो जाएगा. दूसरा आपको बताया अगर उसका thermal coefficient of expansion adhesive का और दांत का different है तो क्या होगा कि जब हम
ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के डिफरेंस की वजह से उनकी सरफेस में चेंजेस डिफरेंट टाइम्स में आएंगी, जिसकी वजह से उनके दरमियान में वॉइड्स आ सकते हैं. वॉइड्स आने का मतलब है माइक्रो लीकेज हो सकती है. माइक्रो लीकेज का मतलब है रिकरेंट कैरीज हो सकती है. रिकरेंट कैरीज हो जाएगी तो उसका मतलब है आपकी फिलिंग वहाँ से डिसलॉज कर जाएगी, दोबारा से फिलिंग करनी पड़ जाएगी. सो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एडहेसिव शुड बी एज क्लोज टू द टूथ एज पॉसिबल. इसकी वजह से हम दांत, अब दांत का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एडहेसिव रेजिन हमने खुद ऐड करना है. एडहेसिव रेजिन का मैन्युफैक्चरर थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दांत के थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के करीब करीब लाता है ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स ना आए और बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी रहे. Now there are different application modes of adhesive. The mode of application of adhesive on the surface to be joined also influences the bond strength. Pressure, temperature and time are the factors that affect the strength after application of adhesive. आप लोगों ने एक दफा adhesive apply कर दिया तो उसके बाद क्या चीज की properties को change कर सकती है? Pressure, temperature and time. Suffering is to be allowed so that the curing time be enough to establish a strong bonding. Similarly, temperature also affects the process of bonding by allowing the solvent to evaporate. आपके adhesive में solvents added होते हैं. वो solvent अगर temperature ज़्यादा है, solvent evaporate कर जाएंगे, तो आपका bonding process affect हो जाएगा. अगर आप सफिशिएंट टाइम नहीं देते, आपका बॉन्डिंग एजेंट प्रॉपरली क्योर नहीं हुआ हुआ, उसकी पॉलीमराइजेशन प्रॉपरली नहीं हुई हुई, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी. सिमिलरली लेस प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडहेरेंट सर्फेसेस आर स्मूथ, बट इन केस ऑफ पोरस सर्फेसेस प्रेशर शुड बी अप्लाइड टू जॉइन द सर्फेस टुगेदर. जहाँ बिल्कुल स्मूथ सर्फेस है वहाँ हमें कम प्रेशर चाहिए, जहाँ पे थोड़ी पोरस सर्फेस है वहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना है. प्रेशर कैसे अप्लाई करते हैं आप एडहेसिव को या उसके ऊपर जब कंपोजिट को प्लेस करते हो तो उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट के साथ ही प्रेशर अप्लाई करते हो. सो बहुत सारे फैक्टर्स एडहेजन को, बेसिकली हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़े हैं जो एडहेजन को इन्फ्लुएंस करते हैं. हमने बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि आपके दांत में आपकी फिलिंग ज़्यादा टाइम के लिए चले. ज़्यादा टाइम के लिए कब चलेगी? जब उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी. बॉन्डिंग उस फिलिंग की दांत के साथ कब अच्छी होगी? जब उसकी एडहेजन अच्छी होगी. एडहेजन के लिए सारे दांत केमिकली एडहेयर नहीं करते, रेस्टोरेशंस केमिकली एडहेयर नहीं करते. कुछ रेस्टोरेशंस करते हैं लेकिन उनमें और प्रॉब्लम्स हैं, दे आर टेम्पररी रेस्टोरेशंस. जो परमानेंट रेस्टोरेशंस हैं उनमें और बहुत सारी क्वालिटीज हैं स्ट्रेंथ वाइज, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी बॉन्डिंग केमिकल नहीं है. तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, किसी दो डिसिमिलर सर्फेसेस को जो आपस में केमिकली बॉन्ड नहीं करते, हम उनको जोड़ने के लिए ग्लू लगा देते हैं. इसी तरह डेंटिस्ट्री में जो फिलिंग्स केमिकली दांत के साथ बॉन्ड नहीं करती, उनको दांत के साथ जोड़ने के लिए एडहेसिव्स लगा देते हैं. इन एडहेसिव्स को एडहेसिव रेजिन्स भी कहते हैं, बॉन्डिंग एजेंट्स भी कहते हैं. कंपोजिट रेस्टोरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्टोरेशन, इज अ टाइप ऑफ फिलिंग दैट कैन नॉट केमिकली बॉन्ड विद द सर्फेस ऑफ टूथ. सो to attach this composite with the tooth surface, adhesive resin, a bonding agent is applied. Bonding agent ka purpose kya hai? Bonding agent kya hai? Bonding agent is adhesive. Adhesive kya hota hai? That produces adhesion. To bonding agent kya karega? Ek side se dant ke saath bond kar lega, dusri side se. Matlab it is multi-dimensional. It has capacity ki ek side se dant ke structure ke saath bond kar sake, ek side se composite ki surface ke saath bond kar sake. Aur is tarah dono ko aapas mein jod ke rakhe. तो बेसिकली हमने एडहेसिव रेजिन्स की डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े हैं, किस चीज पे ये डिपेंड करेगा, एडहेजन किस चीज पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सरफेस एनर्जी ऑफ एडहेरेंट, सरफेस टेंशन ऑफ एडहेसिव, वेटिंग, कॉन्टेक्ट एंगल. जितनी वेटिंग अच्छी होगी एडहेसिव की उतनी अच्छी एडहेजन होगी. अच्छी वेटिंग का मतलब है
कि कॉन्टैक्ट एंगल दैट इज द एंगल बिटवीन द सर्फेस ऑफ एडहेसिव एंड द सर्फेस ऑफ एडहेरेंट, ये जितना जितना कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपका एडहेसिव फैलता जाएगा, उसका मतलब है उतनी ज़्यादा अच्छी वो एडहेजन करेगा. जीरो कॉन्टैक्ट एंगल मीन्स परफेक्ट एडहेजन. आपके एडहेरेंट की, दांत के सरफेस की सरफेस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी एडहेजन खराब होगी, क्योंकि सरफेस एनर्जी कम होने का मतलब है कि उसके सरफेस के एटम्स अट्रैक्ट नहीं करना चाहते दूसरे एटम्स को. तो सरफेस एनर्जी आर्टिफिशियल वे से बाय एचिंग द सरफेस, बाय प्रोड्यूसिंग माइक्रोटैक्स हम बनाते हैं ताकि दांत की, दांत एडहेरेंट है, दांत के ऊपर हमने एडहेसिव लगाना है, दांत की सरफेस की हमने सरफेस एनर्जी को इंक्रीज करना है ताकि एडहेजन अच्छी हो जाए. तो हम एचिंग से कर लेते हैं, हम और बहुत सारे तरीकों से कर लेते हैं. एडहेसिव की सरफेस टेंशन, जो हम एडहेसिव हम चूज करेंगे उसकी सरफेस टेंशन कम होनी चाहिए. सरफेस टेंशन इज द बॉन्डिंग इन द टाइटली पैक्ड कोर. इसका मतलब है कि उसके एटम्स आपस में जितना टाइटली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के साथ जितना स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, उसकी सरफेस टेंशन उतनी अच्छी है. लेकिन हमें ऐसा एडहेसिव यूज करना है जिसकी सरफेस टेंशन इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि सरफेस टेंशन अच्छी होगी तो आपस में एक दूसरे के साथ ही इतना स्ट्रांग बॉन्ड बना के रखेगा कि वो दांत के साथ अटैच ही नहीं हो सकेगा. सो सरफेस टेंशन ऑफ एडहेसिव शुड बी लो, सरफेस एनर्जी ऑफ द टूथ सरफेस, एडहेरेंट सरफेस शुड बी हाई, वेटिंग शुड बी गुड, कॉन्टैक्ट एंगल शुड बी मिनिमम. Any questions so far? Now there are some physical factors जो हमने पढ़ लिए that affect the adhesive strength. उसमें temperature था, टाइम था, प्रेशर था. अब केमिकल फैक्टर्स हैं. केमिकल फैक्टर्स में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, पोलैरिटी ऑफ एडहेसिव, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव इज अफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर्स. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बेस्ट सूटेड फॉर एडहेसिव एक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एडहेसिव. आपके बॉन्डिंग एजेंट में भी मोनोमर्स हैं, तो आपके बॉन्डिंग एजेंट के जो मोनोमर्स हैं उनकी पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड करेगी इसकी स्ट्रेंथ. पोलैरिटी ऑफ एडहेसिव का मतलब फॉर ऑर्गेनिक कॉन्ट्रैक्टिंग सर्फेसिस पोलर ग्रुप्स कंटेनिंग एडहेसिव प्रोवाइड बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ देन नॉन पोलर एडहेसिव. दस एडिशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स टू द नॉन पोलर एडहेसिव इंक्रीजेस द एडहेसिव पावर. किसी भी एडहेसिव रेजिन की एडहेसिव क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि नॉन पोलर और पोलर को मिक्स करते हैं, क्योंकि जहां पे मिक्सर होगा पोलर और नॉन पोलर का, वो आपस में ज्यादा स्ट्रांगली अटैच रहेंगे, वेयर एज पोलर पोलर रिपेल कर जाएंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा अटैच नहीं रहेंगे. तो हमें थोड़ा सा इतना भी रखना है कि वो एक दूसरे के साथ इतना अटैच रहे, सरफेस टेंशन हाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी बॉन्डिंग इतनी सी अच्छी होनी चाहिए कि वो एक स्मूथ लेयर बना सके. Complexity of adhesive molecule, complexity and chain length influences the adhesive action. In the case of phenol, aldehyde, resin, the higher molecular weight products have greater adhesive action. Similarly, in the case of cellulose esters, the optimum chain length of fatty acids is from 6 to 14 for better bond strength. इसका मतलब है कि आपका adhesive molecule की complexity पे भी depend करता है कि उसकी strength कितनी अच्छी होगी. जहां पे higher molecular weight products हैं, उनका एडहेसिव एक्शन उतना अच्छा होगा. नाउ द पीएच आल्सो अफेक्ट्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव रेजिन. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज अफेक्ट द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव्स नेगेटिवली.
but the effects of pH are different in case of different types of adhesives. इसका मतलब ये है कि pH बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Strong acids में क्या होगा, pH बहुत कम है, alkalis में बहुत ज़्यादा है. तो बहुत extremes जहाँ पे होंगी तो bond strength will be affected, negatively affected. आपकी बॉन्डिंग उतनी ख़राब हो जाएगी अगर आपके एडहेसिव की पीएच या बहुत एसिडिक है या बहुत अल्कलाइन है. सो इट शुड बी इन द रेंज फ्रॉम मॉडरेट एसिड्स टू मॉडरेट अल्कलीज. बट पीएच अफेक्ट्स आर डिफरेंट इन द केसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स. Okay, we are done with today's lecture and 5 minutes left. Any question, any query, any suggestion, any feedback? Second year, any question? Hello. Okay, any feedback regarding these online lectures? Usama, okay. उसामा, सरफेस एनर्जी ये होती है कि उसकी किसी भी मटेरियल की सरफेस पे जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी कितनी है दूसरे एटम्स को अट्रैक्ट करने के लिए. ये सरफेस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा उनमें एबिलिटी है दूसरे एटम्स को अट्रैक्ट करने के लिए. तो एडहेरेंट की यानी कि दांत की सरफेस एनर्जी जितनी अच्छी होगी इसका मतलब है कि वो एडहेसिव को उतना जल्दी अपने पास खींचेगा, उतना जल्दी उसके साथ बॉन्ड करेगा. और सरफेस टेंशन एडहेसिव की जो हम ऊपर अटैच कर रहे हैं, जो लिक्विड हम ऊपर लगा रहे हैं बॉन्डिंग के लिए, उसकी सरफेस टेंशन कम होनी चाहिए. क्योंकि सरफेस टेंशन कम होने का मतलब है कि वो आपस में एटम्स उसके इतना टाइटली पैक नहीं है और वो बहुत इजीली दांत के साथ बॉन्ड बना देंगे. क्योंकि अगर सरफेस टेंशन किसी मटेरियल की बहुत ज़्यादा है, किसी एडहेसिव की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इतना टाइटली पैक्ड होंगे कि वो किसी और सरफेस के साथ अटैच नहीं हो सकेंगे. Is it clear, Usama? Surface energy and surface tension. Second year, why are you taking so much time to reply? Is it clear?